बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अटेंटिवली एंड कंसंट्रेशन से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए मिसकेलेनियस मिस्टेक्स या वो सिली मिस्टेक्स एंड फुलिशनेस जो आप लोगों को पेपर में अवॉइड करनी है, इन चीज़ों में वो लेकर आए हैं। हम लोग पहले 1 से 50 रूल्स को डिस्कस कर चुके हैं, आज की वीडियो में हम रूल नंबर 51 से 60 को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल है हमारा डिफरेंस बिटवीन इनसाइट एंड इनसाइट, सी वाला इनसाइट एंड एस आई जी एच टी वाला इनसाइट। जो हमारा आई एन एस आई जी एच टी वाला इनसाइट है ये एक नाउन है, और जो हमारा आई एन सी आई टी ई वाला है ये एक वर्ब है। जो आई एन एस आई जी एच टी वाला है इसका मतलब होता है एक डीप अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन ऑफ अ सिचुएशन पर्सन और आइडिया, एक डीप समझ होना, एक डीप अंडरस्टैंडिंग होना किसी चीज़ की, ठीक है, इसको इनसाइट कहते हैं। एक क्लियर एंड इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ के बारे में ये हमें गेन कराने में हम इस टर्म को यूज़ करते हैं इनसाइट। अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें, हर आर्टिकल प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इनसाइट्स इन टू द काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसका लिखा हुआ आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा है एक कीमती डीप अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज की वजूहात पर। तो आपको समझ लग गई कि यहाँ पर इस इनसाइट का मतलब क्या है। जबकि अगर आप लोग आई एन सी आई टी ई को देखें तो इसका मतलब है इनकरेज करना, प्रोवोक करना या स्टिमुलेट करना किसी एक्शन को नेगेटिव और हार्मफुल वे में, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स इंगेजिंग समवन टू इंगेज इन अ पर्टिकुलर एक्शन और इन अ पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ रिस्पॉन्स। इनसाइट का मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए प्रोवोक या स्टिमुलेशन देना, जो वर्ब है। इसकी एग्जाम्पल अगर आप लोग देखें, द इन्फ्लेमेटरी स्पीच हैड द पोटेंशियल टू इनसाइट वॉयलेंस अमंग द क्राउड। एक इन्फ्लेमेटरी स्पीच थी, ऐसी स्पीच जिसके अल्फाज बहुत सख्त हों, ठीक है। उसने क्या किया, उस स्पीच के अंदर इतनी पोटेंशियल थी कि उसने इंसाइट कर दिया, प्रोवोक कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया वॉयलेंस, कॉन्फ्लिक्ट, ओपोजिशन ऑफ आइडियाज, ओपोजिशन ऑफ थिंकिंग क्राउड के अंदर। तो ये वाला इंसाइट मीन्स आई एन एस आई जी एच टी डीप अंडरस्टैंडिंग, जबकि आई एन सी आई टी ई का मतलब है प्रोवोक स्टिमुलेशन ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर बिहेवियर और रिस्पॉन्स। अब दूसरा हमारा है मे बी एंड मे बी, दोनों मे बी हैं बट एक में स्पेस छोड़ के बी लिखा है और एक में इकट्ठा है, कोई स्पेस नहीं है। अब जो विदाउट स्पेस वाला मे बी होता है ये एक एडवर्ब है जो इंडिकेट करता है पॉसिबिलिटी को, ठीक है, या तो पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी, मतलब पूरी तरीके से एक चीज के बारे में श्योरिटी ना होना। इट इज यूज टू एक्सप्रेस दैट समथिंग इज नॉट सर्टेन और डेफिनेट, लीविंग रूम फॉर डाउट। ये जो एम ए वाई बी ई विदाउट स्पेस है ये हमें बताता है कि कोई चीज प्रॉपर तरीके से डेफिनेट और क्लियर नहीं है, बल्कि इसके अंदर डाउट के लिए जगह है, अभी डाउट किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखें, मे बी वी कैन गो टू द मूवीज दिस वीकेंड इफ वी हैव टाइम। अब यहाँ पे अनसर्टेनिटी कहाँ पे आ रही है, इफ वी हैव टाइम, अगर हमारे पास वक्त हुआ तो भी हम जाए मूवी देखने। जबकि एम ए वाई और बी ई जो स्पेस के साथ है वो एक मॉडल वर्ब का कम्बिनेशन है विद बी, ठीक है, मॉडल वर्ब मे और बी का कम्बिनेशन है। इसको तब यूज किया जाता है जब हमने किसी चीज की पॉसिबिलिटी या कंडीशन को बताना है, ठीक है। मे बी इज यूज टू इंडिकेट पोटेंशियल एक्शन स्टेट्स और आउटकम्स, ये किसी पोटेंशियल स्टेट्स और आउटकम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए, शी मे बी कमिंग टू द इवेंट लेटर इन द इवनिंग। अब यहाँ पर अनसर्टेनिटी नहीं पाई जा रही बल्कि एटलीस्ट एक चीज की पॉसिबिलिटी और कंडीशन को बताया जा रहा है कि शी मे बी कमिंग टू द इवेंट लेटर इन द इवनिंग, कि वो बाद में इवेंट पर आ सकती है लेटर इन द इवनिंग पे, ठीक है। अब हो सकता है उसने आना है लेकिन ये चीज मुमकिन है कि वो थोड़ा लेट हो जाए या थोड़ा जल्दी आ जाए। जबकि जो मे बी एडवर्ब था उसमें अनसर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी शामिल था, इसमें क्या है किसी इवेंट के होने का खदशा शामिल है कि वो हो सकता है, ठीक है। जबकि हमारा अगला रूल नंबर 53 है इलिसिट एंड इलिसिट, इसमें ई एल आई और इसमें आई डबल एल आई, इलिसिट। अब ई एल आई सी आई टी का मतलब क्या होता है इलिसिट का, टू ड्रॉ आउट अ रिस्पॉन्स, इंफॉर्मेशन और अ रिएक्शन फ्रॉम समवन,
ठीक है, किसी की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन, कोई रिएक्शन, कोई इंफॉर्मेशन ड्रॉ आउट करवाना. अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखें, द टीचर क्वेश्चन वॉज डिजाइंड टू इलिसिट थॉटफुल आंसर्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स. टीचर का सवाल इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि वो स्टूडेंट्स में से एक ऐसा रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सके जो इंफॉर्मेटरी हो, जो रिएक्शन बेस्ड हो. ठीक है, ऐसे सवाल बच्चों से निकलवाए जा सके, बच्चों के जहन को शेक किया जा सके, ऐसे सवाल बनाए गए थे. तो इसको हम कहेंगे कि इलिसिट करवाना क्वेश्चंस को. ठीक है, टू ड्रॉ आउट अ रिस्पॉन्स, इंफॉर्मेशन और अ रिएक्शन फ्रॉम समवन. जबकि हमारा इलिसिट जो है ILLI वाला, उसका मतलब होता है समथिंग डेट इज अनलॉफुल, इलीगल और फॉरबिडन. कोई ऐसी चीज जो कानून के मुताबिक ना हो, जो गैर कानूनी हो, या जिसको मना किया जाता हो या मना किया गया हो. जैसे देखें, द पुलिस डिस्कवर्ड एन इलिसिट ड्रग ऑपरेशन इन द अबेंडेंट वेयर हाउस. ठीक है, पुलिस को पता चला कि ये जो छोड़ा हुआ खाली वेयर हाउस है, इसके अंदर एक इलीगल ड्रग ऑपरेशन हो रहा है. बात समझ रहे आप? ई वाले का मतलब क्या है कि किसी एक्शन को ड्रा आउट करवाना, किसी इंफॉर्मेशन को, आइडिया को किसी के अंदर से या किसी के जहन से. जबकि आई वाला इलिसिट का मतलब है इलीगल, इलीगल एंड फॉरबिडन और नॉट परमिटेड समथिंग. ठीक है, एक्शन. अब अगर हम अगला देखें अपना रूल, तो वो है इमिनेंट एंड इमिनेंट. वेट, 53 वाला मिस नहीं हो गया? 53 हो गया. अगला है इमिनेंट और इमिनेंट. अब इसमें ई एम आई इमी इमिनेंट और इसमें ILLI इमिनेंट. अब ई एम आई वाले का मतलब क्या है? डिस्टिंग्विश्ड, वेल नाउन, रिस्पेक्टेड इन अ स्पेसिफिक फील्ड और एरिया. ठीक है, मुख्तलिफ होना, मशहूर होना, इज्जतदार होना. अब फॉर एग्जाम्पल, शी इज एन एमिनेंट साइंटिस्ट हुज रिसर्च हैज रेवोल्यूशनलाइज्ड द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स. ये बहुत ही मुख्तलिफ आला महारत रखने वाली साइंटिस्ट है, जिसकी रिसर्च ने जेनेटिक्स की दुनिया को हिला कर रख दिया, या नया एक ऐसा चेंज लाया जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था. तो यहाँ हम ई वाला एमिनेंट यूज करेंगे. ठीक है, किसी फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा फेमस होना, वेल नाउन होना, या डिस्टिंग्विश्ड होना, ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होना जो दूसरे के पास ना हो, तो उसका मतलब होगा एमिनेंट, EMI. जबकि इमिनेंट ILLI का मतलब क्या है? समथिंग डेट इज अबाउट टू हैपन और अक्कर वेरी सून. किसी चीज के बहुत जल्द होने का खदशा या पॉसिबिलिटी. जैसे देखें, द स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स गैदरिंग ओवर हेड इंडिकेट डेट अ हैवी रेनफॉल इज इमिनेंट. ये जो ऊपर क्लाउड्स इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, ये इस बात की निशानी है कि जल्द ही बारिश होने वाली है. तो ये वाला इमिनेंट उस सेंस में यूज होगा. अब आगे हम रूल नंबर 55 की बात करें, तो डिवाइस और डिवाइस, इसमें सी आता है और एक में एस आता है. जो सी एस वाला डिवाइस है वो एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है टू प्लान, इन्वेंट या टू क्रिएट समथिंग, यूजुअली केयरफुल थॉट एंड कंसिडरेशन. जो डी ई वी आई एस ई वाला डिवाइस है, इसका मतलब होता है केयरफुल इन्वेंशन करना किसी चीज के बारे में बहुत कंसंट्रेशन से. ठीक है, और ये एक वर्ब है, जिसकी एग्जाम्पल आप लोग देखें, शी मैनेज टू डिवाइस अ क्लेवर सोल्यूशन टू द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. ठीक है, डिवाइस उसने ऐसी तरीका, यानी कंसंट्रेशन और बहुत ही केयरफुल वे में एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन चालाकी से मैनेज किया. जबकि आप डी ई वी आई सी ई को देखें, तो ये हमें पता है कि ये वो वाला डिवाइस जो टूल या इंस्ट्रूमेंट या गैजेट वगैरह के लिए, पर्टिकुलर पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये उस डिवाइस को कहा जाता है. जैसे द GPS डिवाइस गाइडेड अस एक्यूरेटली टू अवर डेस्टिनेशन. तो यहाँ पे ये वो डिवाइस है, एक टूल है, एक गैजेट है, जिसका एक पर्टिकुलर पर्पस है, और वो क्या है? गाइड करना किसी डेस्टिनेशन की तरफ. अब क्या आपको समझ आ गई कि डिवाइस और डिवाइस में क्या फर्क है? कि ये एक टूल है और ये क्या है? किसी केयरफुल वे में कंसेंट्रेशन से किसी चीज की तरफ माइल होना, या समथिंग, ठीक है, हम कह सकते हैं प्लान करना, लेकिन बहुत ही कंसेंट्रेशन से, कंसिडरेशन से. अब अगर हम रूल नंबर 56 देखें, तो सम टाइम्स और सम टाइम, इनमें क्या फर्क है? यानी सम टाइम विदाउट स्पेस और सम टाइम विद स्पेस. जो विदाउट स्पेस सम टाइम्स है, ये एक एडवर्ब है, ठीक है, जो इंडिकेट करता है अक्रेंसेज डेट हैपन ऑन ओकेजन और एट इररेगुलर इंटरवल्स. इट रेफर्स टू सिचुएशंस व्हेन समथिंग हैपेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम.
ये कह रहा है कि ये जो समटाइम्स है जिसमें विदाउट स्पेस लिखा गया है, ये एक एडवर्ब है और ये एक ऐसी अक्रेंसेस को बताता है जो हमारी इरेगुलर पैटर्न्स इंटरवल्स में हो रही है. कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, बस टाइम टू टाइम वो हो तो रही है, 10 मिनट बाद हो रही है तो अगली 20 मिनट बाद, ठीक है, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है. जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स आई इंजॉय गोइंग फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, कभी कभी, ठीक है, इरेगुलर पैटर्न से मैं शाम को जाना जो वॉक पर है जाती हूँ, आई इंजॉय करती हूँ, ठीक है, गोइंग फॉर अ वॉक इन द इवनिंग. जबकि समटाइम्स की अगर हम बात करें, ठीक है, समटाइम्स, तो ये इज नॉट कॉमनली यूज एज अ स्टैंड अलोन फ्रेज. इसको कभी भी एक अकेले तौर पे फ्रेज की तरह यूज नहीं किया जाता. व्हेन समटाइम्स इज यूज्ड, सम इज एन एडजेक्टिव मॉडिफाइंग अ नाउन एंड टाइम्स इज अ प्लूरल नाउन, ठीक है. यहाँ पर सम का मतलब नाउन होता है और टाइम्स एक प्लूरल, सम का मतलब एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और टाइम्स यहाँ पे जो लगा है ये हमारा एक नाउन है इसके अंदर, जो सम टाइम्स है स्पेस के साथ जो है. एंड इट यूज टू रेफर टू स्पेसिफिक इंस्टांसेस और ओकेजंस दैट आर नॉट ऑल द टाइम बट आर काउंटेबल. और इससे मुराद ऐसी सरकमस्टेंसेस और ऐसी अक्रेंसेस हैं दैट आर नॉट ऑल द टाइम, जो हमेशा नहीं हो रही होती मगर जब होती हैं तो उनको काउंट किया जाता है, उनको समझा जाता है कि वो हो रही हैं. अब फॉर एग्जाम्पल आप देखें, आई हैव बीन टू दैट रेस्टोरेंट सम टाइम्स बिफोर, ठीक है, बहुत अरसा पहले, यानी कुछ अरसा पहले मैं इस रेस्टोरेंट में आई थी, आया करती थी हम कह सकते हैं, ठीक है. अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ऐसा एक्शन है, ओकेजन है, जो हर टाइम नहीं हो रहा ना, अभी नहीं हो रहा, ठीक है, बट जब हुआ है तो उसको हम काउंट में रख रहे हैं, उसको हम नोटिस में रख रहे हैं कि ये एक्शन हुआ था. तो सम टाइम्स विद स्पेसेस जो है ये एक स्टैंड अलोन फ्रेज नहीं होता, ठीक है, अलहदा, यानी अलहदा से ये इसको हम यूज नहीं कर सकते, बल्कि इसका मीनिंग इस सेंस में आता है कि इसमें ये जो सम है ये एडजेक्टिव के सेंस में यूज होता है, ठीक है, और टाइम्स इसमें नाउन के तौर पे यूज होता है. तो हम कह सकते हैं कि आई हैव बीन टू दैट रेस्टोरेंट सम टाइम्स बिफोर, ठीक है, यहाँ पे ये टाइम्स नाउन है. तो बताया जा रहा है कि मतलब ओकेजन दैट आर नॉट ऑल द टाइम, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि मैं यहाँ पर जाऊँ, ठीक है, बट जब कभी भी जाया जाता है तो उसको काउंटेबल रखा जाता है, उसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है, कम जाना या हमेशा ना जाना बट उसको कंसिडर किया जाना. अब रूल नंबर 57 हम देखें तो राउंड एंड अराउंड का डिफरेंस, राउंड क्या है, राउंड एक एडजेक्टिव है, आर ओ यू एन डी, राउंड क्या है, एक एडजेक्टिव है, नाउन है और एडवर्ब है, डेट हैज सेवरल मीनिंग, इसके कई मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन इट ऑफन रेफर्स टू अ सर्कुलर और कर्व पाथ. अगर हम इसकी मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें अराउंड की, तो अराउंड का मतलब हमें पता है कि ये किसी रेवोल्यूशन के लिए यूज होता है कि अराउंड एंड अराउंड, ठीक है, जबकि इट ऑल्सो रेफर टू अ कम्प्लीट साइकिल और समथिंग डेट इज शेप लाइक अ सर्कल, जबकि इससे मुराद एक ऐसा साइकिल भी है जो कम्प्लीट हो या जो शेप लाइक सर्कुलर हो, ठीक है, राउंड की जब हम बात करते हैं. तो अब हम इसकी एग्जाम्पल देखें, द अर्थ गोज अराउंड द सन इन अ राउंड ऑर्बिट. अब ये सन है, ठीक है, तो अर्थ इसके राउंड अपने ऑर्बिट में घूमती है, तो इसको हम कहेंगे कि अराउंड. अब जबकि जो है, सॉरी राउंड, अब जबकि अराउंड है ए वाला अराउंड, तो ये एक एडवर्ब है और प्रेपोजिशन है जो जनरली इंडिकेट करता है मूवमेंट इन अ सर्कुलर डायरेक्शन इन सर्कलिंग और सराउंडिंग समथिंग, ठीक है. इट ऑल्सो इंडिकेट अ जनरल लोकेशन विदाउट स्पेसिफाइंग अ प्रिसाइज पॉइंट. ये जो अराउंड है ना अराउंड, इससे मुराद हमारी एक जनरल लोकेशन भी होती है जिसका हमें स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पता नहीं होता जब हम इसको एज अ प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है. और एडवर्ब में इसका मतलब क्या होता है कि इसको इंडिकेट किया जाता है जनरली के ये सर्कुलर मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो है राउंड, राउंड को हम लोग नाउन में भी ले सकते हैं, एडवर्ब में भी ले सकते हैं और एडजेक्टिव में भी ले सकते हैं. हर कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग डिफरेंट होता है. मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब सर्कुलर और कर्व्ड पाथ है, ठीक है, जबकि कंप्लीट साइकिल भी इससे मुराद लिया जा सकता है और कोई ऐसी चीज सर्कुलर इन शेप हो उसको भी हम राउंड कहते हैं, ठीक है. जबकि अराउंड एक एडवर्ब और प्रेपोजिशन के तौर पर जनरली मूवमेंट के लिए एक सर्कुलर डायरेक्शन में यूज किया जाता है, ठीक है, और इससे एक ऐसी लोकेशन मुराद होती है जिसका स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन नहीं होता, ठीक है. इट कैन ऑल्सो अ जनरल लोकेशन विदाउट स्पेसिफिक, जैसे देखें एग्जाम्पल, ही वॉक अराउंड द पार्क गेट सम फ्रेश एयर. अब अराउंड द पार्क से हमारी मुराद ये है कि मतलब सराउंडिंग या समथिंग, ठीक है, पार्क है तो पार्क के अंदर किसी सराउंडिंग का उसने चक्कर लगाया कुछ फ्रेश हवा लेने
के लिए। ठीक है, सराउंडिंग हम कह सकते हैं कि सर्कुलर मूवमेंट में ये पार्क था, तो इसके गिर्द इसने मे बी ऐसे वॉक कर ली, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर इसने वॉक कर ली जिसका हमें पता नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कि उसने अराउंड द पार्क कोई थोड़ी बहुत वॉक कर ली। अब अगर हम डिफरेंस देखें क्लॉथ एंड क्लॉथ का, सी एल ओ टी एच ई एंड सी एल ओ टी एच का, सी एल ओ टी एच ई एक वर्ब है, ठीक है, जिसका मतलब होता है ड्रेस या प्रोवाइड क्लोदिंग फॉर समथिंग और समवन, या तो इसका मतलब कपड़े हैं या प्रोवाइड करना कपड़े किसी को या किसी चीज के लिए। इट इज यूज टू डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ पुटिंग ऑन गारमेंट्स, यानी इसका मतलब ये है कि पहनने का जो अमल है, पहनना, कपड़े पहनना, ठीक है, ये हमारा सी एल ओ टी एच ई में आता है जो एक वर्ब है, पहनने का अमल। शी हेल्प्ड क्लॉथ द चिल्ड्रन इन वार्म कोट्स फॉर द विंटर, उसने मदद की बच्चों को गारमेंट्स पुट ऑन करने में गर्म। जबकि आप सी एल ओ टी एच को देखें तो ये एक नाउन है जो रेफर करता है मटेरियल को मेड बाय वीविंग और निटिंग फाइबर सच एज कॉटन, वूल और सिल्क। ये जो क्लॉथ है ये नाउन है, इससे मुराद वो कपड़ा, ठीक है, कपड़ा हम कह सकते हैं जो वूल से या निट करके बनाया गया, ठीक है। इट इज यूज टू मेक वेरियस आइटम्स इंक्लूडिंग क्लॉथिंग, लेनन्स, फैब्रिक्स। अब ये क्लॉथ जो है ये बेसिकली क्लॉथिंग में भी आता है, लाइनन्स में भी आता है, फैब्रिक में भी आता है, मतलब इसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है। जबकि क्लॉथ वर्ब है, कपड़े पहनने का जो अमल है वो सी एल ओ टी एच ई होगा, और जो कपड़ा है, जो मटेरियल है, उसको हम सी एल ओ टी एच कहेंगे। अब इसके एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो शी यूज्ड अ सॉफ्ट क्लॉथ टू क्लीन द विंडो। अब आप समझ रहे हैं, सॉफ्ट क्लॉथ एक मटेरियल है, नरम कपड़ा। जबकि अगर आप ऊपर वाली एग्जाम्पल को गौर से देखें तो ऊपर वाली एग्जाम्पल में क्या बात हो रही है, शी हेल्प्ड क्लॉथ द चिल्ड्रन, क्लॉथ द चिल्ड्रन, बच्चों को कपड़े पहनाने का जो अमल था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं यूज कर सकती कि शी हेल्प क्लॉथ द चिल्ड्रन, उसने मदद की कपड़े को बच्चों पर वार्म क्लॉथ फॉर, तो नहीं सेंस बन रही ना, वो तो एक मटीरियल है, और जबकि ये क्लॉथ एक वर्ब है जो पहनाने का अमल है, जो उसने उसमें मदद की उसकी बच्चों के साथ। अब हम रूल नंबर 59 देखें तो पुट अप और पुट इन का क्या मतलब होता है। पुट अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू प्लेस समथिंग इन एलिवेटेड पोजीशन, टू डिस्प्ले और हैंग समथिंग, ठीक है, किसी चीज को एक लेवल से ऊपर रखना, हैंग करना, ठीक है, या टू प्रोवाइड लॉजिंग और अकोमोडेशन फॉर समथिंग, या किसी चीज के लिए अकोमोडेशन या लॉजिंग हम कह सकते हैं कि मतलब किसी चीज को ऊपर सेटअप करना है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पुट अप। जैसे दे डिसाइडेड टू पुट अप अ न्यू पेंटिंग इन द लिविंग रूम। अब पेंटिंग कहाँ लगाई जाती है, पेंटिंग को किसी लेवल से थोड़ा ऊंचा लगाया जाता है, तो इसके लिए हम पुट अप का फ्रेज यूज करते हैं। जबकि हम अगर बात करें पुट इन की, तो पुट इन एक फ्रेजल वर्ब है, टू इंसर्ट और प्लेस समथिंग इन टू अ पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है, ऑफन इम्प्लाइंग एफर्ट और एक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्लेसमेंट। इससे मुराद हमारी वो एफर्ट भी है, वो एक्शन भी है जो किसी प्लेसमेंट के दरमियान यूज की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन टाइम, उसने बहुत मेहनत लगाई या उसने बहुत मेहनत की, इसको इस सेंस में भी यूज किया जाता है। जबकि किसी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर किसी चीज को रखने के से भी मुराद हमारा पुट इन होता है, इंसर्ट करना है, ठीक है। जैसे मैं कहूंगी कि आई पुट इन अ बैटरी इन टू द रिमोट, ठीक है, मैंने रिमोट के अंदर इंसर्ट कर दी बैटरी, ठीक हो गया। जबकि अगर हम बात करें पुट इन के दूसरे मतलब की, तो वो ये होता है कि लगाना या बहुत ज्यादा मेहनत करना, एफर्ट करना, ठीक है, शी पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब अगर हम अपना लास्ट रूल देखें जो है एसेंट एंड एक्सेंट, ठीक है, ए डबल एस ई एन टी एक नाउन है, रेफर करता है एक्ट ऑफ एग्रीइंग अप्रूवल टू समथिंग, राजी होना या राजी हूं मैं इसका अप्रूवल देना, यूजुअली इन रिस्पांस टू अ रिक्वेस्ट और प्रपोजल। किसी ने आपसे रिक्वेस्ट की है, किसी ने आपसे प्रपोजल मांगा है, तो आप उसके जवाब में जब अपना एग्री की फॉर्म में जवाब देते हैं तो वो हमारा एसेंट होता है, ठीक है, वो हमारा एक नाउन कहलाता है, उसका मतलब होता है एसेंट। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ वर्ब मीनिंग टू एग्री, और इसको एक वर्ब के सेंस में भी यूज किया जाता है कि एग्री होना या अप्रूवल देना। जैसे द बोर्ड मेंबर्स गेव देयर असेंट टू द न्यू बजट अप्रोजल। अब यहाँ पे आप गौर करें, असेंट से आपको क्या मतलब मिल गया कि अपनी एग्रीनेस, ठीक है, अपनी रजामंदी बोर्ड कमेटी ने दे दी बजट प्रपोजल के लिए। जबकि ए एस सी ई एन टी का मतलब क्या है, ये एक नाउन है जो रेफर करती है एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग, राइजिंग और मूविंग अपवर्ड,
स्पेशली इन अ फिजिकल सेंस। फिजिकल सेंस में मूव करना, क्लाइम करना, चढ़ाई पर राइज करना, ऊपर मूव करना, ठीक है, इसका मतलब एसेंट है, ASCENT। इट ऑल्सो रेफर टू अ पाथ, जर्नी और प्रोसेस ऑफ मूविंग अपवर्ड। इससे मुराद ये चीज है कि चढ़ाई पर सफर, ठीक है। चढ़ाई का मतलब क्या है कि हाइट पर जाना ऊपर, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल देखें, द माउंटेन क्लाइंबर सक्सेसफुल एसेंट टू द समिट वॉज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। अब जब आपको डिफरेंस पता नहीं होगा एसेंट का और एसेंट का, तो आप लोग ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाओगे। ASCENT जो वो वाला वर्ड है जिसको फिजिकल सेंस में क्लाइंबिंग के लिए या अपवर्ड मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है, और इसलिए माउंटेन क्लाइंबर के लिए ये वर्ड यूज होगा। जबकि जो ASCENT या एसेंट को एग्रीनेस की फॉर्म में यूज करते हैं, रजामंदी की फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक हो गया। सो बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट आवर 10 रूल्स ऑफ मिसकेलेनियस मिस्टेक्स। आप सबको ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है इंशाल्लाह ताला। जब आप एक दफा इसको अच्छे से सुन लेंगे और गौर करेंगे तो ये आपको जल्द ही याद हो जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।